बाबा हम सभी को सुंदर चांस दे रहे हैं अभी भी कभी बाबा कहते थे समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा तब हमारी समझ में थोड़ा ही आता था समय शिक्षक जानते हैं कि समय मनुष्य को विवश करता है पुरुषार्थ के लिए पर देखो परिवर्तन के पहले झटके ने ही बहुतों को जगा दिया बहुतों को सुला भी दिया दोनों काम हुए बहुत सो गए बहुत जग गए क्योंकि मेरा कांटेक्ट रहता है लोगों से तो बहुत जगह हैं जिनका ढीला पुरसार था जो संसार में व्यस्त हो गए थे धन के पीछे इच्छाओं के पीछे थोड़े से त्यागी बने हैं लेकिन जिन्होंने जीवन भर अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया था ऐसे बहुत होते हैं ब्राह्मणों में ढीले चलते हैं मुरली सुनी थोड़ा बहुत योग किया चल रहे हैं वो ढीले भी बहुत हुए क्योंकि अचानक ऐसी घटनाएं जीवन में आती हैं और सबके जीवन में आनी हैं सबको पेपर देने हैं के कईयों का हाल बिगड़ जाता है और जब हाल बिगड़ता है तो पहला काम करते हैं लोग क्या छोड़ना मुरली छोड़ना बड़ा पुण्य समझते हैं कि मुरली छोड़ने से बहुत अच्छा हो जाएगा मुरली ने काम बिगाड़ दिया हमारा लेकिन मुरली ही तो जीवन दायनी है मुरली ही हमें रोज जगाती है मुरली छोड़ देंगे तो बाकी भी सो जाएंगे तो हमें सोना नहीं है अब तो सोए हुओं को जगाने का एक प्रबल समय तेजी से हमारे सामने आता जाएगा ऐसा नहीं कि सेवाएं नहीं होंगी या यह यही चलेगा ये यह जाएगा फिर सेवाएं बहुत बढ़ेंगी फिर दूसरा सीन आएगा फिर सेवाएं बहुत बढ़ेंगी तीसरा आएगा ये खेल चलता रहेगा दो हजार तक और सब ब्राह्मणों को बाबा को संपूर्ण बनाना है बाबा की मूल्यों में हम सुनते हैं ना कल भी ये था बाप दादा की इच्छा है कि बच्चे बाप समान बने लेकिन बाप समान बनना ये कोई खेल तो नहीं है कह तो सब देते हैं हमें बाप समान बनना है लेकिन बाबा को 108 रतन तो बाप समान चाहिए ही जो संसार का कल्याण करेंगे जिनके वाइब्रेशंस जिनकी दृष्टि जिनकी प्योरिटी योग अभ्यास इस संसार के लिए ताकत बन जाएगी मैंने एक क्लास में बताया नीचे पिछले सैटरडे आप सुनते हैं या नहीं 108 रत्नों को बाबा ने भारत में खास विदेशों में थोड़ा अलग अलग जगह रखा है इस ड्रामा में एक खेल ऐसा ही है कि उसकी जो महान आत्माएं हैं वो अलग अलग जगह पर हैं उसमें भी 108 में पहले 25 मन के मोस्ट पावरफुल हैं संसार की अति महान आत्माएं हैं वो तो ये 25 और बाकी जहां जहां होंगे उनके वाइब्रेशंस आसपास के लोगों के लिए सुरक्षा का कवच बने रहेंगे उनकी उपस्थिति बहुतों को हिम्मत देगी निर्भय करेगी तो ये एक वंडरफुल खेल बाबा का चल रहा है अब परिवर्तन होगा हम सभी को लंबे समय के अभ्यास की जरूरत है कल भी बाबा ने होमवर्क दिया है कौन सा एक मास पहले देखो शब्द भी बदल दिए थे पहले कहा बाप दादा राय दे रहे हैं फिर कहा राय तो ठीक सा नहीं लग रहा है डर <laughs> देते हैं एक मास ब्रह्मा बाबा जैसा आंखों में बसा लो उनको क्या किया तो बनाएंगे एक छोटा सा प्लान लंबा चौड़ा नहीं ब्रह्मा बाबा की तो बहुत सारी बातें हैं सारी लेंगे तो पहले सरेंडर कर देंगे कि अपने से नहीं होगा लेकिन हम एक छोटा सा फाइव पॉइंट प्लान बना ले पांच बातों का पुरुषार्थ जिसको हम करें एक बार और हम सबको ये ज्ञात रहे कि जब हम बाबा की किसी आज्ञा का पालन करते हैं तुरंत तो उसका बल बहुत मिलता है हमें बाबा का बल साथ काम करने लगता है और अगर हम सोचते हैं कर लेंगे तो हमारा उमंग भी ढीला होगा और फिर बाबा का जो बल हमें मिलना है उसकी मदद मिलनी वो भी कम हो जाएगी तो बोलो एक सिंपल प्लान बिल्कुल मैं सिंपल बताना चाहता हूं सबको जो सब कर सके ऐसा नहीं जो डायरियों में रह जाए जो करें बाबा का एक सुंदर अभ्यास था देह में रहते देह से न्यारे बाबा इस शरीर में ऐसे रहते हैं मानो इस शरीर में हो ही नहीं ब्रह्मा बाबा का ये अंत में तो बिल्कुल एक नेचुरल स्वरूप बन गया था संपूर्ण देही अभिमानी सोल कॉन्सियसनेस उसकी कई विधियां हैं हमने क्लासेस में कराई हैं बहुत सारी मैं आत्मा हूँ ये देहे कभी मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं अंदर बैठी हूं तो कभी मैं परम नाम में हूं कभी बाबा के साथ साथ हूं अभ्यास चालू रहे इस पर हमें बहुत ध्यान देना है मैं सभी को बाबा की एक बात याद दिला रहा हूं आजकल और अपने को भी याद दिला रहा हूं बहुत ज़्यादा आप सब सुनते होंगे बाबा की साकार मुरली में आया है एक माह सुहा होगा जो बच्चे अशरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे कहीं लिख के रखने की बात है जिस पे हमारी नजर जाती रहे जो बच्चे देही अभिमानी अशरी होने का बहुत अभ्यास करेंगे विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा वो स्व इच्छा से देह छोड़ेंगे बहुत एक गहरा राज बाबा ने बता दिया है। इच्छित मन इच्छित मृत्यु इच्छा मृत्यु विनाश काल में विनाश होना ये नहीं फ्लड आया और बह गए जमीन फटी हम भी धंस गए एक्सीडेंट हुआ हम भी तड़फ तड़फ तड़ मर गए ये नहीं स्वेच्छा से क्योंकि अभ्यास करते करते आत्मा देह से डिटैच होती जाएगी न्यारी देह ने जो बांधा हुआ है आत्मा को जैसे जकड़ी हुई हैं दोनों आत्मा और देह चिपक गई हैं वो छूटता जाएगा लूज वस्त्र जिसे बाबा कहते हैं ये देह का वस्त्र लूज होता जाएगा संकल्प किया चले और चले तो बहुत ध्यान देना है इस पर सभी अपनी अपनी दिनचर्या में इसका प्लान बनाना कर्म में कैसे इसको लाएंगे ये कोई सारा दिन बैठ के करने का अभ्यास नहीं है मैं आपको वही अभ्यास दे रहा हूँ बाबा के जो नेचुरल लाइफ में करने हैं कर्मों में बैठ के तो जो भी करेंगे करेंगे और जब हम कर्मों में अभ्यास करते हैं तो बैठ के हमारा योग बहुत सुंदर होता है दूसरी चीज बाबा का प्रारंभ से ही बहुत ज्यादा नशा ईश्वरीय नशा स्वमान जिसे कहते हैं बहुत बड़ा नशा था लोग ग्लानी करते थे कोई नहीं मेरे बच्चे हैं ना अभी पहचानते नहीं हैं, पहचानेंगे सब ठीक हो जाएगा कोई भावना में परिवर्तन नहीं नशा शुरू से ही मुझे ये देह छोड़कर श्री कृष्ण बनना है मैं नारायण था नशा था बहुत ज्यादा हम भी अपने स्वान को और भविष्य के नशे को बढ़ाते चले ये दूसरी फॉलो फादर की बात और तीसरी चीज ये हमारी सब साधनाएं हैं ये योग है सब योग को ये नहीं परम धाम में बैठ के शिव बाबा बिंदु से योग लगाना वो तो है ही पर ये भी हमारी योग की साधनाएं हैं बहुत लोग ये बात नहीं समझते सोचते हैं ये सब थोड़ा ही योग है इससे विक्रम थोड़ा ही विनाश होंगे विकर्म विनाश तो सब चीज़ों से सब तरह के योग से होंगे लेकिन केवल विकर्म विनाश करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है हमारे लक्ष्यों में कई बातें हैं सर्वगुण संपन्न भी हमें बनना है संपूर्ण निर्विकारी भी बनना है मोस्ट पावरफुल भी हमें बनना है कई चीज़ें हैं कर्मातीत विकर्म विनाश अर्थात आत्मा को हमने खाली कर दिया गंदगी से लेकिन खाली होना ही तो काफ़ी नहीं होता ना कि चीज़ को हमने खाली कर दिया फिर हमारे पास कुछ नहीं है उसे काम चलेगा हमें भरना भी है ये बात बहुत लोग नहीं समझते तो तीसरी बात पांच स्वरूपों का अभ्यास जिस पर बाबा ने पिछले तीस सालों से बहुत जोर दिया है ये सम्पूर्ण स्वदर्शन चक्र है इससे हमारी धारणाएँ श्रेष्ठ होती जाएँगी हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी सद्गुण आते जाएंगे भावनाएँ श्रेष्ठ होंगी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं घृणावृत्ति निगेटिविटी ईर्षा द्वेष बहुत रिवेंजफुल बदले की भावना ऐसे वैसे विचार जो चलते हैं सारा दिन चिंताओं के मोहों के परेशानियों के वो सब छूटेंगे तो हमें पांच स्वरूपों के अभ्यास पर बहुत ध्यान देना है ये हमारी इंपॉर्टेंट साधना है और इसके बारे में बाबा ने ये भी कहा है किसी को विक्रम विनाश करने का ही ज्यादा हो स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते जाएंगे ये साकार मुरलियों में ही कह दिया है तो इससे विक्रम विनाश भी होंगे और हमारे मूल संस्कार जागृत भी होंगे इसे बहुत बड़ा लाभ ये होगा हमारे संस्कार बदलेंगे बहुत ध्यान दें कईयों के संस्कार बदल नहीं रहे हैं योग भी कर रहे हैं मरली भी सुनते हैं सेवा भी कर रहे लेकिन संस्कार परिवर्तन ये आवश्यक है और ये तब होगा जब हम अपने उन संस्कारों को पहचानेंगे जिन्हें हमें बदलना है बहुत लोगों को पता ही नहीं क्या बदलना है हमें ठीक है मोटो का पता होगा भाई गुस्सा आता है कई लोग रियलाइज करते हैं मुझे क्रोध आता है ये मुझे बदलना है लेकिन अधिक संस्कारों में मनुष्य क्या सोचता है जहां ईगो की बात है अहम अभिमान अभिमान से जुड़े हुए जो संस्कार हैं मान लो किसी को डांटना है किसी को बुरा बोल दिया तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ये सोचता है सुने क्या सोचता है आप सब जानते हैं और इसको हमें चेंज लानी है इसमें मैं राइट हूं हर गलती करने वाला मनुष्य ये मान रहा है मैं राइट हूं इसको बदलना है हम राइट हैं तो दूसरे हमसे कष्ट नहीं पाएंगे हम राइट हैं तो आपके परिवार में शांति रहेगी खुशी का माहौल रहेगा हम गलत हैं तब झगड़े हैं पति पत्नी के बीच के झगड़े बहुत हो रहे आजकल दोनों ये सोचते हैं मैं राइट हूं दोनों ही सोचते हैं और जो समझदार हो उसे अपनी गलती रियलाइज करके अपने को चेंज कर लेना चाहिए एक व्यक्ति झूठ बोला पता उसे मैंने झूठ बोल दिया क्यों बोला भाई बचने के लिए बोलना ही था मैं राइट हूं ना वहां बोलना ही पड़ेगा नहीं तो फंस जाते हम अब वो सोच रहा राइट है यहाँ बच गए अच्छा हुआ ना ठीक है वहां तो बच गए लेकिन अगर इसको संस्कार बना लिया तो वो कष्ट होगा झूठ बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करेगा और सच भी बोल रहा होगा लोग सोचेंगे गड़बड़ है फीलिंग आना होता है या नहीं सब कुछ नष्ट हो जाता है फिर लोग मनाते रहते हैं और फीलिंग वाले जल्दी नहीं मानते फिर थोड़ा और मनाएं हमें लोग फिर मानेंगे जैसे बच्चे होते हैं ना जिद करते हैं ये सब संस्कार हमारे बदलते जाएंगे अगर पांच स्वरूपों का अभ्यास होगा अब दो बातें हम बाबा की धारणाओं की लेंगे आप सुनाएंगे इन तीनों से हमारा योग आप ही अच्छा हो जाएगा बोलो दो धारणाएं बाबा की सुंदर बेफिक्र बात सारी तो बहुत बड़ी चीज है थोड़ा छोटा बता दो है तो ये भी काम की बोलो छोटा थोड़ा व्यर्थ से बचना कल भी बाबा ने कहा ना नोट किया होगा सभी ने बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए जो सेकंड में फुल स्टॉप लगा दें अगली लाइन व्यर्थ का नाम निशान न ना हो भगवान को ऐसे बच्चे चाहिए किस काम के लिए योग परिवर्तन के लिए अब देखो इस चीज़ का कितना महत्व है सब रियलाइज करें व्यर्थ से मुक्त होने का कितना महत्व है कुमार कुमारियाँ बैठे हैं कुमार ज्यादा में सबको हमारा कर्तव्य है कि सबको सावधान करना दुनिया में भी सबको आप सावधान करेंगे मैं उदाहरण सहित बता रहा हूँ आज ही एक कुमार आया बारहवीं क्लास में पढ़ता लंबा हो गया था पौने छः फुट का तो हो गया मैं सोचा जॉब में होगा का बारहवीं में हूं क्या समस्या है अब दिमाग में कुछ कुछ हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है आंखों पर इफेक्ट आ गया है मेरी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ऐसे केस मेरे पास आते रहते हैं मुझे पता क्यों होता है ऐसे मैंने पूछा मोबाइल पे बहुत टाइम दिया है क्या कि हाँ बताया बेचारे ने हाँ पाँच साल तो दिया है बहुत टाइम तो देखो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया व्हाट्सअप फेसबुक अच्छी चीज़ें भी हैं विज्ञान का वरदान भी है पहले हमें कहीं फ़ोन करना होता था, तो, तो इम्पॉसिबल काम था मतलब तो फ़ोन करना मन एक मुसीबत आधा दिन चाहिए अब सेकेंड में न्यूज़ मैसेजेज सब फटाफट लेकिन अगर ज्यादा हम इस पर लग गए मैंने उसे फिर पूछा नींद का हाल वही आता है ना नींद में कहा वही आ, चलता रहता है दिमाग में नींद फ्रेश नहीं तो जीवन फ्रेश नहीं होगा स्क्रीन छोटी है मोबाइल की चलो टीवी पे दूर से देख रहे थोड़ा कम असर होगा मोबाइल की स्क्रीन छोटी आंखों पर इफेक्ट आ गया है माताओं माताएं बेचारी परेशान होती हैं उनके बच्चों को क्या हो गया है अब इसका इलाज तो नहीं मैंने कहा छोड़ छोड़ दोगे मोबाइल का नहीं छोड़ दिया है मैंने कहा बहुत अच्छी बात है उसको रियलाइज हुआ कि सबसे ये चीज़ मेरा जीवन पर बुरा असर डाल गई है मैंने कहा बस सदा के लिए छोड़ दो अगर ज़िंदगी जीनी है तो नहीं तो कुछ और हो जाएगा ब्रेन अब हाइपर एक्टिव हो रहे हैं लोगों के एक बार अगर ब्रेन हाइपर एक्टिव हो गया उसको शांत करना ये इसकी दवाई नहीं संसार में कोरोना की तो निकल भी गई है लेकिन इसकी दवाई नहीं मिलेगी नहीं। कहीं संसार में इसलिए सभी कुमारों को मैं कह रहा हूँ कुमारियों को भी ठीक है मेरी बात या नहीं मैं लौकिकली कह रहा हूँ अगर जिंदगी में कुछ करना है तो इसको छोड़ दो एक सीमित टाइम दे ठीक है आधा घंटा देख लिया कुछ जरूरी चीज़ें क्योंकि इससे मन की एकाग्रता नष्ट होती है व्यर्थ बढ़ता है आगे चलकर हर जगह असफलता बहुत युवक कांटेक्ट करते हैं अभी रेलवे का एग्जाम हो रहा है भर्ती हो रही बहुत वैकेंसी निकली हैं हमारा एक नंबर से रह जाता है बैंक की निकल रही हैं हम रह जाते हैं ये इन चीजों का इफेक्ट है मन अगर व्यर्थ में चला गया तो देखो बहुत सूक्ष्म ये रहस्य है हमारे संकल्पों से हमारे चार ओर वाइब्रेशंस फैलते है हैं ना माताएं भी समझती है ना इस बात को तरंगे फैलती हैं वातावरण बन बन बनता है प्रकृति में जाती हैं ये तरंगे रिएक्शन होता है और यही चीजें हमारी सफलता पर हमारी असफलता पर हमारे नुकसान पर हमारी बीमारियों पर हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल रही हैं यही जिम्मेदार हैं सब चीजों का हर मनुष्य के वाइब्रेशन सी उसकी हर चीज के जिम्मेदार हैं इसलिए व्यर्थ का नाम निशान न हो एक बार मौका मिला है कौन सा सब जानते हो बोलो भगवान आया परम सुख दे रहा है भाग्य बांट रहा है मन इच्छित फल प्रदान कर रहा है संसार तो सोया हुआ है हमारी बात भी सुनेंगे भगवान आया तो शायद मजाक करें लेकिन इधर परमात्म सुख उसका प्यार बरस रहा है ज्ञान की बरसात हो रही है सबके चित्त शीतल और जीवन हरियाली से भरपूर हो रहे हैं हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं सबके हो रहे हैं सुख ले लें न जाने कब ये समय पूरा हो जाए हम पूरे हो जाए समय चले भी थोड़ा संगम युग का लेकिन हमारा शरीर पूरा हो जाए खेल बदल जाएगा इसलिए बुद्धिमान आत्माओं को स्वयं से बातें करनी है कि जब भगवान सब कुछ देने आया है मुझे उससे सब कुछ लेना है तो बाबा की जो एक धारणा मैं आपको इस संकल्प से दे रहा हूं लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण लक्ष्य के प्रति नोट करना एक समर्पणता वो थी जो बाबा ने की थी लक्ष्य ये बनना है बस उधर ही देखना है मैं लोगों को हंसी में भैंस का उदाहरण दिया करता हूँ भैंस मिलती है ना गाड़ी में जाते हैं नीचे भैंसें बहुत मिलती हैं अब भैंस को अगर सड़क पार करनी है उसने देख लिया मुझे वहाँ जाना है वो घर है मेरा तो वो इधर उधर नहीं देखती ट्रेन आ रही हो चाहे बस आ रही हो चाहे गाड़ी है कार चल रही हो हम तुम कोई भी हो वो तो अपने लक्ष्य को देखती है वहाँ जाना है तुम्हें हॉर्न बजाना बजाओ रुकना है रुको मैं नहीं रुकने वाली हम हम हंसते हैं और उससे सीखते भी हैं मैं क्या करता हूँ भैंसों से सीखो लक्ष्य की ओर चलना <laughs> लोग भैंस को कम बुद्धि वाला समझते हैं भैंस बुद्धि है इसको पर लक्ष्य तो देखो एक दिन हम और एक बात की हंसी कर रहे थे कहीं बाहर गए थे सवेरे चार बजे निकल गए दूसरे सेंटर पे जाना था कि नाना दोना वहीं जाके करेंगे तो देखा गधे भी घूम रहे हैं हम बड़े हंसे देखो अमृत वेले गधे भी उठ गए <laughs> <laughs> जिनको सबसे कम बुद्धि वाला माना जाता है और साइड में चल रहे सड़क के बीच में नहीं तो लक्ष्य के प्रति संपूर्ण डेडिकेट कर दें खुद को आप में से कई स्टूडेंट्स ने किया होगा अगर बारहवीं में इधर जाना है में जाना है मेडिकल में जाना है एनडीए करना है लग जाते हैं ना माताओं को पता है ना आपके बच्चे सब छोड़ देते हैं लग जाते हैं रात दिन डेडिकेट कर देते हैं अपने को इतने नंबर आने हैं तब सहज सिलेक्शन होगा मैं तो सीखता हूँ प्रेरणा लेता हूँ बच्चों से मेरे पास आते हैं ना बहुत सारे बारहवीं क्लास के मैं प्रेरणा लेता हूँ मैं उनसे पूछता हूँ मोबाइल टी वी ये ने लैपटॉप का नहीं हमने सब छोड़ा हुआ है अब हमें केवल जितने मार्क्स लाने हैं उस पे केंद्रित कर दिया है अपने को तो ऐसे बच्चे बहुत सफल होते हैं जिंदगी में ऐसे बहुत हैं ऐसे नहीं सभी लगे हुए हैं बहुत समझदार बुद्धिमान बच्चे भी आप लोगों के पास आप में से भी कईयों ने ये किया होगा तो हमारा जो लक्ष्य है बनाओ आप अपना कुछ लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनने की बात नहीं पहले पुरुषार्थ का लक्ष्य और सबसे अच्छे पुरुषार्थ सबसे अच्छा पुरुषार्थ का तरीका कि तीन तीन मास का लक्ष्य बना दें और ये ये सब बातें पांच जो हम ले रहे हैं अब इनमें से तीन ही हैं अभ्यास करने की इनको हमें किस तरह बहुत अभ्यास कर लेना है ये लक्ष्य बना लें ताकि हमारा योग डेली चार पाँच घंटे हो जाए मैं योग की बात जब करता हूं तो बैठ कर नहीं हमारी स्मृति स्वरूप स्थिति चार पाँच छः घंटे हो जाए रोज कर्मों में बैठना आपके ऊपर जितनी जिसको सुविधा जैसा जिसका कार्य जो जितना कर सकते हैं वो बैठे मैं तो ये भी कहता हूं कि दस दस मिनट बैठो बैठना भी जरूरी है एकाग्रता के लिए कोई अच्छे अभ्यास लेकर बैठ जाएं, <coughs> तो लक्ष्य के प्रति संपूर्ण डेडिकेशन था बाबा के पास सबसे पहले फरिश्ता बनना है बाबा बहुत सारी चीजें बोलते थोड़ा ही थे मुरली में थोड़ा थोड़ा बोल दिया तब किसी ने कैच ही नहीं किया उन चीज़ों को हम सब समझते थे कि शिव बाबा बोल रहा है लेकिन ब्रह्मा बाबा बोलते थे अपनी बात बीच बीच में तो क्लियर है ना लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पणता उसमें न सुस्ती रहती न अलबेलापन रहता और अलबेलेपन से आत्मा मुक्त हो जाएगी व्यर्थ से मुक्त हो जाएगी एक और धारणा बाबा की बोलो ऐसी एक धारणा सुनाओ जिसमें बहुत कुछ आ जाए हा ये साधनाओं में आ गए ऐसे शरीरिपन में जोड़ लेना आत्मा को देखने की बात वो भी बहुत जरूरी है बाबा की आत्मिक दृष्टि बहुत ज्यादा थी है सोच अच्छी रखना ये हमने इसमें कर दिया बहुत अच्छा ऊंचे विचार इसको कहेंगे वो स्वमान से हो जाएंगे और बोलो मैंने लौकिक में अलौकिक इस पे भी ध्यान देंगे आप सभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गुण देखना ये छोटी चीजें हैं लौकिक में अलौकिक ये बहुत अच्छी बात है और इसका सहज अभ्यास है आत्मिक भाव बनाना आत्मिक भाव देखो आप सभी परिवारों में तो रहते ही हैं अपने परिवारों को देखो बैठकर ये सब आत्माएं हैं ये जो हमारे परिवार की आत्माएं अब हैं पांच छ सात ये पिछले जन्म में हमारे परिवार में नहीं थी उसे पिछले में भी नहीं थी इसे नेक्स्ट में भी नहीं होंगी उसे नेक्स्ट में भी नहीं होंगी सब बदलते आए हैं ये सब आत्माएं हैं अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं ये सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं सब हमारे परिवार में महान आत्माएं हैं ये सुंदर संकल्प आप किया करें तो अलौकिकता हो जाएगी और जो प्रैक्टिकल व्यवहार में रहता है निमित्त भाव इसमें बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई हम सबको <coughs> सभी सब घरों में ही हैं कुमार भी सब मेरा घर बाबा का यज्ञ है ये एक भावना बना दो माताएं ज्यादा बनाएंगी मेरा घर बाबा का यज्ञ है ये अच्छी तरह समझ लें <coughs> जितना मेरापन खत्म होता जाएगा बोलो आगे मेरा घर मेरे बच्चे मेरा परिवार मेरा धन मेरा काम मेरापन है ये जितना ये खत्म होता जाएगा उतना मोहजीत बनेंगे बिल्कुल अच्छा और सोचो शरीर से सरी रिटैच होंगे और सोचो ट्रस्टी बन जाए बाबा की नजरों में रहने लगेंगे हम और हमारा घर उसकी सुरक्षा में आ जाएंगे हम जैसे अपने इस यज्ञ की विशाल यज्ञ की बाबा रक्षा करते हैं ना देखभाल आपके घर भी जब यज्ञ बन जाएंगे उनकी भी देखभाल ऐसे ही करेगा समर्पण भाव बहुत बड़ी चीज़ है संसार में भक्ति से चलता आ रहा है ये द्वापुर से ही शुरू हो गया था समर्पण भाव दो अर्थ हो गए एक समर्पित होना जैसे हम लोग हैं दूसरा समर्पण भाव सब कुछ तेरा अब ये कहने की बात नहीं कहना तो भक्ति में चलता आता था, था अब प्रैक्टिकल में मेरे पन से आत्मा मुक्त होती चले सब कुछ तेरा कर सकते हैं बच्चे बोलो माताओं के बच्चे देख लो अच्छी तरह देख लो करना फिर ये करना लंबी प्रैक्टिस करनी है छोड़ के आ गए वो तो दो चार दिन के लिए आ गए ना छोड़ने की तो बात नहीं है वो आपके बच्चे हैं बाबा थोड़ा ही कहेगा छोड़ दो इन्हें छोड़ना नहीं है लेकिन पालना भी करनी है प्यार भी देना है उन्हें आगे भी बढ़ाना जो भी आपके कर्तव्य हैं अपने बच्चों के लिए वो करने ही हैं लेकिन बाबा साथ है हमारा ये परिवार बाबा का है यह घर उसका यज्ञ है यह धन उसका है इसलिए मैं एक चीज सिखाई बहुतों को और बहुतों ने तो कर दी फटाफट जो भी घर में आए ना वस्तु पहले बाबा के आगे रख दो यानी उसको समर्पित कर दो माताएं करेंगी ये काम थैले में सब्जी आई ना रख दो बाबा के आगे एक समर्पणता की आदत पड़ जाएगी पैसा आया रख दो बाबा के आगे तुम अर्पित देखो कैसे वृद्धि होगी कैसे परिवार सुखी होंगे आपके सब कुछ भरपूर रहेगा परिवारों में समर्पण भाव जब हम कहते हैं मेरा सब कुछ तेरा तो ऊपर से क्या आवाज आती है मेरा सब कुछ तेरा कल भी तो यही कहा बाबा ने मेरा बाबा कहते ही सर्व खजानों के मालिक बन गए जैसे किसी बाप के बच्चे बाप को माँ को बड़ा घर है बच्चे थोड़ा ही कहेंगे मम्मी का घर है ये विदेशों में बोलते हैं ऐसे भारत में क्या बोलते हैं हमारा घर है देखो हमारा घर कितना बड़ा है किसी को फैक्ट्री होगी बच्चे क्या बोलेंगे हमारी फैक्ट्री है हमने भगवान को अपना बना लिया तो उसका जो कुछ है वो हमारा हुआ ये हमें डीप रियलाइजेशन में अपने चिंतन में अपनी कॉन्शियसनेस में अवेयरनेस में स्मृतियों में भरना है बाबा हमारा और हम उसके हैं तो उसका सब कुछ हमारा है सर्व खजानों की बात की ना कल बाबा ने सब पर हमारा अधिकार खुशी उसका खजाना वो हमारा खजाना है इसको हमसे कोई छीन नहीं सकता प्योरिटी उसने हमें दी है ये खजाना है इसको हमसे माया छीन ही नहीं सकती अथा खजाने हैं ये भविष्य से जुड़े हुए हैं तो समर्पण भाव निमित्त भाव लौकिक को अलौकिक भी बदलना ये सब पांचवी बात ब्रह्मा बाबा की बहुत सुंदर धारणा थी जब से सब कुछ समर्पित किया था सब अलौकिक कर दिया था बाबा की तो बात ही अलग थी बाबा ने तो पैसा देखा ही नहीं था उसके बाद पैसे को टच नहीं करते थे बाबा यशु बहन थी वो सब संभालती थी यज्ञ में शुरू में एक दो भाई थे विश्व किशोर दादा थे वो संभालते थे बाबा बिल्कुल निमित्त भाव में और जो बच्चे थे बाबा की उनकी चिंता नहीं कैसे होता है मनुष्य निश्चिंत बाबा बैठा है और बोलो सुनाओ बातें निश्चिंत होता है मनुष्य कुछ सोच सोच कर जो होगा अच्छा होगा ठीक बोल रहे बोलते जाओ अच्छा ही होगा बोलते जाओ बहने संगम युग कल्याणकारी है सब कल्याणकारी हो जाएगा ड्रामा एक्यूरेट है सब अच्छा चलेगा एक एक सेकंड कल्याणकारी भाई लोग बोले कराने वाला कराता रहेगा बहुत अच्छी बात है जिसको हमने अपनी जीवन की बागडोर दे दी है वो क्या है क्या है वो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है वो क्या है वो सर्वशक्तिवान है वो उसके संकल्प में ही सब कुछ है कल कह रहे थे ना बटन उसके लिए खेल है अभी संकल्प करे प्रकृति शुरू कर दो खेल अभी से शुरू हो जाएगा वो सोच लो कौन वो हमारा है इसका साथी है भगवान गीत गाया करो कुमार गाते हैं बाथरूम से शुरू करो गाना बाहर न भी गाना आता हो ना बाथरूम में तो सब गायक बन जाते हैं ना जिस भगवान हमारा साथी है जिसका साथी हो भगवान उसको और ईश्वर अपने साथ है ये सब हमें प्रैक्टिकल ले आना है अपनी स्थिति में ऐसे नहीं बाबा भी साथ है रो भी रहे हैं ये भी तो हो जाता है ना बाबा आपने मेरे बच्चे को क्यों उठा लिया आप तो मेरे साथी हो पर बच्चा भी तो ठीक था अच्छा था अभी क्यों बुला लिया रोने लगते हैं हाँ वो गीत गाते रहा करो एक चीज और मैं आप सबको याद दिला देता हूँ मृत्यु के बारे में हम सब बहुत कुछ जानते हैं फिर भी समय पर मनुष्य की स्थिति थोड़ी बिगड़ जाती है अचानक मृत्यु होती है ना बहुत से समाचार आते हैं बात तो भयानक ही होती है कि अभी बच्चा था और अभी नहीं है सुनसान हो जाता है अभी तो माँ थी आधे घंटे पहले और है ही नहीं अब गई तो एकदम खाली पन हो जाता है लोग बहुत प्रैक्टिकल है कहने की बात नहीं भाई ऐसे रहो वैसे रहो लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो तो है किसी का दिल्ली का एक का कल परसों आ रही थी बेचारी कन्या माँ को बस उल्टी हुई और हॉस्पिटल ले गए और गई अभी तो थी हंस हाँ रहे थे और आधे घंटे में तो है ही नहीं कहा सुनसान हो गया घर में एकदम तो प्रैक्टिकल बात है फिर मैंने इनको बहुत हिम्मत दी बच मुरली छोड़ दी थी उसने भी उदासी होती है ना मुरली में मन नहीं लगता कहा दूसरी बहन है उसकी मैरिज हुई है एक बच्ची है उसको वो कहती है मैं तो मर जाऊंगी अब मरूँगी वो मरने की सोचने लगी तो इस देखो कितनी निगेटिविटी आती मैंने कहा तुम भी मर जाओगी उस परिवार का इस परिवार का क्या होगा ये तो सोचो हिम्मत से काम लो अब तुम तो मृत्यु क्या है जिसकी ये बात याद रखेंगे सभी मैं वो उदाहरण दिया करता हूँ सच्चा उदाहरण हमारे मधुबन में एक कुमार था उसका एक्सीडेंट हुआ यहीं ऊपर से नीचे जाते हैं ना बिल्कुल ऊपर ही मोड़ पर वो भी तेज चल रहा था उधर से बस आ रही थी बस के नीचे ही चला गया इमीडिएट मृत्यु तो अव्यक्त बाबा आए थे दो चार दिन पहले निर्वैर भाई ने पूछा बाबा बहुत अच्छा कुमार था आपने उसको मदद नहीं की बाबा का उत्तर था बहुत अच्छा कौन खड़े कर देने वाला उत्तर बाबा ने कहा जिसकी मृत्यु जिस समय जिस स्थान पर जिस कारण से होनी है वो पूर्व निश्चित है भगवान भी उसको टाल नहीं सकता वो अटल है सब सुन रह गए सुनते रह गए हम तो ये सोच बाबा कहा था कहेगा नहीं बाबा तो मदद कर रहा था वही तेज चला रहा था <laughs> कुछ भी <laughs> लेकिन बाबा ने कहा मोड़ पे तो तेज नहीं चलाया जाता ना पहाड़ियों में तो खास कुछ कहेगा बाबा लेकिन बाबा ने ऐसा सटीक उत्तर दे दिया कि ज्ञान की रोशनी भी है और बहुत बड़ी शिक्षा भी है मृत्यु जिस समय जिस कारण से यानी जिस एक्सीडेंट कारण बना जिस समय जहाँ होनी स्थान भी निश्चित है उसको कोई टाल नहीं सकता फिर मैंने उनको हिम्मत दी जो मैं बात सुना रहा था मैंने कहा उसको देखो कष्ट नहीं हुआ ना का बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ एक तो पुण्य आत्मा थी ना शरीर तो सबको छोड़ना है अपने समय पर लेकिन पुण्य आत्माओं को कष्ट नहीं होता नहीं तो कितने कष्ट हो रहे हॉस्पिटलों में कैंसर से कितना कष्ट हो रहे लोगों को तो हमें मृत्यु के इस सत्य को जानकर जल्दी ही संभलना होगा आदत डालेंगे सभी सभी आदत डालेंगे जल्दी संभल असर तो आता है नो no डाउट इसमें कोई संदेह नहीं ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है मनुष्य पर उसका असर आता पर जल्दी उससे बाहर निकल जाना यह ज्ञान है यह बुद्धिमानी है आगे चलकर एक चीज और सबको फेस करनी है देखनी है मैं लास्टली लिए बात आपको कह रहा हूं और हमें भी इसके लिए तैयार होना है और सबको तैयार करना है बच्चों की मृत्यु बहुत होंगी जल्दी जल्दी मृत्यु जल्दी जल्दी जन्म अब यह दस बारह सालों का यह खेल चलेगा इस सृष्टि पर क्यों चलेगा क्योंकि जन्म और मृत्यु में ही आत्मा के विकर्म बहुत नष्ट होते हैं और आत्माओं के बहुत पाप हो गए हैं दूसरी घटना इसी से जुड़ी रहेगी बच्चे ऐसे भी बहुत जन्म लेंगे जिनको बचपन का सुख नहीं मिलेगा कैसे आंख नहीं काम कर रही हैं हाथ या पैर पोलियो वाले हैं बुद्धि बहुत डल है जन्म से बीमार है बोलना सुनना नहीं है ये सब खेल अब अगले दस बारह सालों तक बहुत चलना है सृष्टि पर इसकी दवाई नहीं है डॉक्टरों की कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है क्योंकि ये सब कर्मों का खेल चलेगा मैं आपको डरा नहीं रहा केवल हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये खेल अब चलने वाला है तो हमें अपनी स्थिति को पावरफुल और पावरफुल के साथ कल ने तीन शब्द बोले ना नॉलेजफुल पावरफुल लवफुल हमें ये चीज़ अपने अंदर पक्के कर देनी है कि हमें सबको मदद करनी है हमें सबको वाइब्रेशंस देने हैं अपने परिवार को भी बच्चों को जितना भी आपको परिवार है उसको यदि अभी से आप रोज़ वाइब्रेशंस देने लगें तो परिवार का माहौल बहुत अच्छा होगा कुमार भी अपने परिवार को रोज़ पंद्रह मिनट वाइब्रेशंस दिया करें अगर आप घर में हैं तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ जब ये हम ये संकल्प करते हैं तो हमारे अंग, अंग से किरणें फैलने लगती हैं पूरे घर में और ज्ञान सूर्य ऊपर है उसकी किरणें हम पर पड़ रही हैं पंद्रह मिनट इस संकल्प को रिपीट भी कर सकते हैं आप पाँच सात बार संकल्प को रिपीट करते हुए अपने घर में योग करेंगे क्लियर है ना माताओं को करना है ये परिवारों में जब समस्याएं आ जाएं तब योग करें उसे पहले कर लें ताकि समस्याएं और विघन आए नहीं बीमारियां आए जाए विघ्न आए जाए बहुत ध्यान देना है अगर आप दूर हैं अपने घर से तो वहीं बैठ कर अपने घर को सामने रखकर बाबा से शक्तियों की किरणें आ रही हैं मुझसे जा रही हैं पूरे घर में फैल रही हैं और जो बहुत अच्छे योगी आप में से वो एक दूसरा अभ्यास करेंगे कि हमने अपना अंत वाहक शरीर धारण किया सुना होगा ना ये सब ना समझ में आए तो मैं फरिश्ता हूं और पहुंच गया अपने घर में किरणें फैल रही हैं मुझसे बाबा की किरणें पड़ रही हैं मुझसे फैल रही हैं ये अभ्यास सभी को अपने परिवारों के लिए भी करने हैं करेंगे ना तो बाबा की ये पांच पॉइंट का प्रोग्राम बना लेना अपना और एक मास क्या बाबा तो जस्ट हमें जागृत करता है हमें सदा सदा ये अभ्यास रखने हैं क्योंकि आत्माभिमानी बनना भी लंबे काल का अभ्यास है लेकिन एक मास अगर हम बहुत कर लेंगे तो वो हमारा कंटिन्यू होगा तो सभी बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे और बाबा की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे ओम शांत